हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ पॉइंट। दोस्तों मैं अजीत कुमार। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होगा द्वितीय अध्यांश के उल्टे क्रम पर आधारित प्रश्न। ठीक है, क्योंकि हमारा चार लेक्चर समाप्त हो गया, पांचवा लेक्चर है, इसे देख सकते हैं। इसमें देखते हैं नोट्स क्या दिया गया है। यदि वर्णमाला के दूसरे अध्यांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए, ठीक है, क्या कहा, यदि वर्णमाला के अध्यांश को दूसरे को उल्टे क्रम में लिखा जाए और मान बाएं से 14 या 14 से अधिक आए, ठीक है, तो इसमें एक बार 40 से घटा देते हैं। अगर इसमें मान 14 से अधिक आए तो इसमें क्या करेंगे, 40 से घटा देंगे। और इसमें प्रथम अध्याय में क्या देखे थे हम लोग, 13 से कम आए तो इसमें क्या करते थे, 14 से घटाते थे। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब चलते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अध्यांश को विपरीत क्रम लिखने पर बाएं से आठवें अक्षर के दाएं पांचवें के अक्षर के दाएं दसवां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, यह तो दिया गया, इसमें ऑप्शन भी दिया गया है, ए नंबर वी, बी आर, सी क्यू, डी आर होगा। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ये आपको पहले लेक्चर बताया गया, दूसरे में तीसरे में बताया जा रहा है। ठीक है, ये आपका पांचवा लेक्चर है, इसमें बताया जा रहा है, देख सकते हैं। राइट राइट रहे तो यहां पे माइनस होगा, लेफ्ट लेफ्ट रहे तो माइनस, या लेफ्ट राइट रहे तो प्लस होगा। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसे करना क्या होगा, अब देखते कैसे क्या करा है। अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अध्यांश को विपरीत करने पर बाएं, मतलब लेफ्ट निकल रहा है बाएं वाला, ठीक है, बाएं से आठवें, मतलब पहले मैं लेफ्ट उतार लेता हूं, उसके साथ इसके ऊपर ही चलता रहेगा। ठीक है, लेफ्ट ले लिया पहले, बाएं से आठवां, अब इसके अकॉर्डिंग चलेगा, यहां प्लस आएगा माइनस आएगा, देखिए दाएं मतलब राइट इसकी बात कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद के दाएं मतलब राइट, दाएं कितना लेना है 10, यहां तक तो ले लिए। अब इसके अकॉर्डिंग देखा नहीं यहां क्या होगा, ये सेम कंडीशन तो यहां आया है, ये वाला सेम ही है लेफ्ट से, तो यहां क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग प्लस होगा यहां पे, उसका यहां देखा जाए दाएं लेफ्ट राइट आ रहा है ना, ये वाला आ रहा है, यही आ रहा है, सेम यहां भी हो जाएगा, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। उससे करने का इसे जोड़ लेते हैं, जोड़ो कितना होता है, 8, 5, 13, 13, 10, 23। ठीक, यहां तक तो क्लियर हो गया। और आपको नोट्स में लिखवाया गया था 14 या 14 से अधिक हो तो उसमें 40 घटा देते हैं। ठीक है, इसे 40 घटाएंगे तो हमारा इसमें कितना आएगा, 17 आएगा। ठीक है दोस्तों, 40 घटाएंगे हमारा कितना आएगा, 17 आएगा। अब देखते हैं 17 में क्यू का मान को तो लेफ्ट से लेते हैं ना, तो हमारा 17 में मान होगा क्यू का, क्यू होता है 17 से, ठीक है, लेफ्ट अगर देखा जाए। इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अध्यांश को विपरीत करने पर बाएं से सातवें अक्षर के दाएं से चौथे अक्षर बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, यहां क्या कह रहा है, बाएं तुझे पहले बाएं लेना है लेफ्ट, सेम कंडीशन करना है, सातवां सातवां उतार लेते हैं, उसके बाद क्या करना, दाएं से वाला उतरेगा ना, यहां माइनस करते हैं कितना 4, उसके बाद फिर क्या बाएं से क्या उतरेंगे 5। ठीक है, अगर आपको देखा जाए, आपको बताया गया था ये हमारा लेफ्ट है राइट है ये माइनस, ठीक है, तो यहां हमारा क्या होगा, जुड़ेगा ना प्लस आएगा, लेफ्ट अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहां पे राइट आ रहा है, सॉरी लेफ्ट आ रहा है, लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा हमारा माइनस होगा, तो यहां माइनस ही रहेगा। ठीक है, यहां तो क्लियर हो गया होगा। और नीचे चलते क्या होगा, तो इसे जोड़ते हैं तो हमारा कितना 7, 4, 11 माइनस 5,
तो इसके बाद इसमें क्या करें, इसे घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, छह आएगा, यल से छह आएगा। और इसमें देखो कुछ अंतर आ रहा है नहीं। और इसमें एक चीज और बताया गया था, अगर देखा जाए इसमें लेफ्ट से छह आ रहा है, अब छह का मान कौन सा होता है, तो इसमें हमारा एफ होता है, ठीक है, इसमें हमारा एफ होता है। अब इसमें एफ कौन सा अक्षर है, इसमें डी ऑप्शन होगा। इस प्रकार हमारा दूसरे आंसर का मिल गया। जैसा हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को विपरीत करने पर बाएं से पांचवें पच्चीसवें अक्षर के बाएं, पांचवें अक्षर के दाएं बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, यहां तक तो हो गया क्लियर। इसे पहले देख कहा क्या कहना क्या जाता है, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को विपरीत करने पर ये बाएं, इसे पहले नोटिस कर लो, ठीक है, से पच्चीसवें अक्षर के बाएं, यहां भी बाएं कह रहा है, ये अक्षर के उसके बाद बाएं अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, इसमें अक्षर कौन सा होगा देख सकते, इसमें आराम से करना है। ठीक है, मैं ऑप्शन क्या दिया गया है, ए जो दिया गया, डब्ल्यू दिया गया है, बी पी दिया गया है, सी बी और डी जी दिया गया है। ठीक है, इसे करना क्या होगा, पहले पुराना फंडा करें लेफ्ट, ठीक है, उससे यहां पर लेफ्ट दे सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। उसके बाद करना क्या है, क्या करा, बाएं से पच्चीसवें, पच्चीस उतार लो, उससे क्या करना, लेफ्ट करा ना, ये वाला लेफ्ट, लेफ्ट आएगा हमारा, लेफ्ट उतारते हैं, लेफ्ट क्या दिया रहा है, पांच, उसके बाद क्या है, लेफ्ट ही दिया है, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, तीन। यहां तक क्लियर हो गया, अगर यहां पे लेफ्ट लेफ्ट दिया रहेगा तो लेफ्ट ही होगा, माइनस ही होगा, ये भी सही है, अगर दिया माइनस ही होगा। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नीचे इसके, तो इसमें से घटाते हैं, पांच तीन आठ हो गया, ठीक है, इसे घटाएंगे कितना आएगा हमारा, पच्चीस में से आठ घटाओगे कितना आएगा, तो हमारा आता है सत्रह। ठीक है, देख लो सत्रह ही आता है, सत्रह आता है। ठीक, उसके बाद करना क्या होगा इसमें आपको, तो हमारा सत्रह आता है। ठीक है, यहां आपको नोट्स लिखाया गया था, चौदह या चौदह से अधिक आया तो उसमें क्या करते हैं, चालीस से घटा देते हैं, ये आपको नोट्स में लिखवाया गया था, तो यहां क्या करेंगे, चालीस से घटा देंगे, तो हमारा आएगा इसमें तेईस आएगा। ठीक है, अब सोचो कि तेईस का मान क्या होता है, तो हमारा तेईस का मान होता है डब्लू। इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को विपरीत करने पर बाएं से नौवें अक्षर के दाएं, आठवें अक्षर के बाएं दूसरा के बाएं, पांचवें के दाएं अक्षर का तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो यह ऑप्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले का ए, बी का पी, सी का सी, डी का क्यू है, तो इसमें पहले सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हाँ, इसके पहले आपको बताना चाहता हूं, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, चलते क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को विपरीत करने पर बाएं, पहले बाएं देखना है। ठीक है, तो बाएं क्या करते हैं, लेफ्ट उतार लेते हैं। ठीक है, नाइन करते हैं, फिर अक्षर के दाएं आठ करते हैं, अक्षर के दाएं के बाएं, बाएं पूछ रहा है, बाएं पहले उतार लेते हैं, बाएं करेंगे कितना आएगा, दूसरा मतलब दो के दाएं से पांचवा, पांचवा उतार लेते हैं, ठीक, के तीसरा, उसके बाद क्या, तीसरा, इसके अकॉर्डिंग यहां तक आ गए। ऐसे करना क्या होगा देखना, बाएं कर रहा है ये तो लेफ्ट होगा, उसके बाद के दाएं ये आठ आर होगा, अगर इसमें देखा जाए सेम होगा तो यहां प्लस होगा। ठीक है, अब उसके बाद तो मुझे इसके अकॉर्डिंग चलना है ना, अब ये क्या कर रहा है, बाया है, ठीक है, यहां तक बाया बाया हो जाएगा, तो क्या होना चाहिए बाया बाया से, आप लोग देख सकते हैं बाया बाया से क्या होना चाहिए, तो यहां पर हमारा होगा माइनस रहेगा। ठीक है, तो इसका यहां माइनस रहेगा लेफ्ट, उसका देख क्या है, दाया है, दाया से हमारा प्लस हो जाएगा, उसके बाद तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है,
दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ये भी दाएं होगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इसके रिलेटेड यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक मैं आशा था पूर्ण विश्वास करता हूँ यहाँ तक का आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद चलते हैं इसमें क्या करना होगा, इसे जोड़ लेते हैं 8 × 9 = 16 ठीक, प्लस 3 × 2 = 5 − 3 = 8 − 2 इसे करेंगे 17 प्लस 6 से 2 माइनस किया, उसके बाद 17 × 6 = 23 यहां तक तो हो गया 17 × 6 = 23 ठीक है। तो इसमें आपको कोई कंडीशन दिख रहा है, तो यहां पर आपको एक नोट्स लिखवाया गया था, अगर संख्या 14 या 14 से अधिक है तो इसमें क्या करते हैं 40 से माइनस कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करें 40 से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 17 आएगा, यह कमान 17 यहां कर देते ऊपर, तो हमारा कितना यह कमान कितना है 17। अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए 17 का मान क्या होगा, 17 का मान हमारा क्यू होगा ये, और ठीक है इस प्रकार चौथे का आंसर हमारा क्यू होगा। ठीक है दोस्तों,